Hey everyone, welcome to Brains की बात। और मैं विजयन आज आ गया हूँ वो शो लेके 2019 में सेक्रेट गेम्स के बाद, जिस शो को लेके मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरा फेवरेट है क्रिकेट और क्रिकेट रिलेटेड है ये शो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड एज सेकेंड सीजन और मैं आज आ गया हूँ आपके साथ इनसाइड एज सीजन 2 के बारे में बात करने। सो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा कास्ट डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टर जो है वो है आकाश भाटिया, रिटन बाय करण अंशुमन एंड उनके साथ दो तीन लोग हैं जो उन्हें हेल्प किए हैं। अभी आ जाते हैं कास्ट, एकदम सेम टू सेम फर्स्ट सीजन जैसा ही है। विवेक ओबराय, विक्रम धवन, रिचा चड्डा, जरीना मलिक, तनुज विरवानिया, वायु रघवन, अंगद बेदिया, अरविंद वशिष्ठ, सायनी गुप्ता, रोहिणी राघवन। और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ पिछले सीजन से। इस सीजन में जो दो नए कैरेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं उन दोनों का नाम मैं बता देता हूँ। एक है अमीर बशीर जो भाई साहब का रोल प्ले करेंगे। भाई साहब बहुत ही एक मंझा हुआ कैरेक्टर था सीजन 1 में, जिसे दिखाया ही नहीं गया। हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई साहब कौन है। और अमीर बशीर जो सेक्रेट गेम्स में माजिद खान का रोल किया था, वो इधर आके इनसाइड एज में भाई साहब का रोल कर रहे हैं। एंड गौरव शर्मा एज मोजेस अलेक्जेंडर जो मुंबई मैवरिक्स का नया कोच बनने वाले हैं, रिप्लेसिंग संजय सूरी एज निरंजन सूरी। सो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा, आम Too excited guys, go and watch Amazon Prime में Inside Edge Season 2। इधर मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ तो it can be a spoiler for you, so go watch first, then हम लोग इधर डिस्कस करते हैं। आप लोग अभी तक देखे नहीं है तो जाके देख के आइए। So let's start। लास्ट सीजन हम लोग जहाँ खत्म किए थे, जहाँ PPL मुंबई मैवरिक्स जीत चुका था और भाई साहब का कोई अता पता नहीं था, लेकिन भाई साहब का लोगों ने मिलके पृथ्वीश ने धवन को धोखा दे दिया था, भाई साहब की टीम में चले गए थे और प्रशांत से देवेंद्र का खून हो गया था। इधर ही हम लोग सीजन 1 खत्म किए थे। और हाँ, वायु राघवन भी धवन को धोखा देते हुए मैच फिक्सिंग नहीं किया था और अरविंद जो टीम का कैप्टन था अंगद बेदी, वो मैच नहीं खेल पाए थे। और लास्ट सीजन में ही जो हरियाणा का मिनिस्टर था, जो हरियाणा हैरिकेन्स का ओनर भी था होंडा साहब, वो आके अरविंद को हरियाणा हैरिकेन्स के कैप्टन होने के लिए बताते भी है। ऐसे ही सीजन 1 खत्म होता है। अब सीजन 2 कहाँ से शुरू होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सीजन 2 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं मुंबई के एक स्टेडियम में अमीर बशीर को एज अ भाई साहब इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर वो उनके असिस्टेंट के साथ होता है जो होता है मिस्टर कपिल, जिसे भाई साहब काले नाम से बुलाते हैं। भाई साहब का ओरिजिनल नाम है यशवर्धन पटेल, जो 1 फीटेड दिखाया जाता है, मतलब उनका एक पैर नकली है, किस कारण से वो अभी तक हमें पता नहीं है। और वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है, मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, इधर आईसीबी बोल रहे हैं लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। और गिरीश मुखर्जी नाम का एक रिपोर्टर, वो पीपल्स आवर बोल के एक शो करता है, जिसके लिए वो स्टेडियम में पहुंचता है और भाई साहब का इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है। भाई साहब के असिस्टेंट उन्हें बता देते हैं कि सब क्वेश्चन देखा हुआ है, आप बस शांत से क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। गिरीश मुखर्जी उनसे पीपीएल के बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं और उन पे कुछ क्रिकेट को खत्म करने का ब्लेम भी लगाते हैं। इसी चलते भाई साहब इंटरव्यू देते देते ही किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं और ऐसे इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब गिरीश मुखर्जी द रिपोर्टर पूछते हैं भाई साहब से कि आप बीच में किसे टेक्स्ट कर रहे थे, तो भाई साहब कहते हैं कि ये आपका प्रोड्यूसर बताएगा। और कुछ ही देर में पता चलता है कि उसका चैनल रिपोर्टर को सैक कर चुका है। मतलब इधर से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का कितना बड़ा आदमी है भाई साहब या यशवर्धन पटेल, जो आईसीबी का प्रेसिडेंट भी है और वो लोक शक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से आते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जरीना एंड वायु राघवन एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जरीना वायु को बोलते हैं कि तुम्हें मुंबई मैवरिक्स का कैप्टन बनना है तो ऐसी पार्टियों का आदत डाल लेना चाहिए। उधर ही और एक नए कैरेक्टर से हम लोग मिलते हैं, मंत्रा पटेल, जो यशवर्धन पटेल मतलब भाई साहब का बेटी होता है। और ये इंट्रोड्यूस होता है कि धवन का जो पार्ट था, शेयर था, वो मंत्रा पटेल मतलब भाई साहब की बेटी ने खरीद लिया है एंड ही इज द को ओनर ऑफ मुंबई मैवरिक्स नाउ। जहाँ पर वायु रघवन के साथ मंत्रा का थोड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में जाके वो सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि अरविंद वशिष्ठ कहाँ पर है, किसी को कोई आता पता नहीं होता है, लेकिन हरियाणा के ओनर मिस्टर होंडा साहब पहुंच जाते हैं अरविंद के पास और अरविंद को प्रॉमिस करते हैं कि अगर हरियाणा का कैप्टन वो बनेंगे तो निरंजन सूरी का मर्डर केस फिर से ओपन होगा और जिन्होंने उनका खून किया है उसे सजा दिलाया जाएगा। इसी बीच हम लोग और एक चीज देखते हैं कि प्रीतीश जो धवन का असिस्टेंट था वो इस बार जरीना का असिस्टेंट हो चुका है और जरीना के पार्टी में भाई साहब भी आए होते हैं और वो ये बताते हैं उनकी बेटी टीम का ओनर है जरूर, लेकिन टीम चलाना जरीना को ही पड़ेगा। ऐसे में अरविंद जमाइका से वापस आता है और मुंबई मैवरिक्स का जो स्ट्रेटेजी ठीक करती थी वायु राघवन की बहन रोहिणी मतलब सायनी गुप्ता, उनके पास जाके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है हरियाणा हरिकेन्स के लिए काम करने के लिए, बट रोहिणी मना कर देता है। तब अरविंद उनका फेवरेट डायलॉग कहते हैं कि एक ट्राई तो बनता है, जो मेरा भी बहुत फेवरेट डायलॉग था पहले सीजन से। इसी बीच वायु आ जाता है और वायु के साथ अरविंद का बहुत फाइट हो जाता है, दोनों एक दूसरे को क्रिकेट के ग्राउंड में चैलेंज करते हैं। इसके बाद मुंबई मैवरिक्स का टीम मीटिंग दिखाया जाता है, उधर होता है कि कौन कोच बनेगा इस साल के लिए और अल्टीमेटली पहले सीजन में जिसका हम लोग कैमियो देखे थे गौरव एज अ मोजेस अलेक्जेंडर निरंजन सूरी के साथ, मोजेस अलेक्जेंडर इधर मुंबई मैवरिक्स के कोच बनते हैं। एज प्रॉमिस प्रीवियसली होंडा अरविंद को ले जाते हैं किसी से मिलाने और देखते हैं हम लोग पहले सीजन में हम लोग जो ऑफिसर राठौर को देखे थे वो आते हैं अरविंद से मिलने। अरविंद गुस्सा हो जाता है क्योंकि अरविंद को लास्ट ईयर उन्होंने ही फाइनल खेलने नहीं दिया था। अरविंद कहते हैं कि सबको पता है खून तो धवन ने किया था, लेकिन राठौर कहते हैं उसके लिए सबूत भी चाहिए होगा। इसी बीच पता चल जाता है कि कोई भी नहीं जानता है कि धवन है कहाँ, जिंदा है मर गया कहाँ पर है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी बीच आ जाता है ऑक्शन डे वन। ऑक्शन के बस पहले ही हम लोग देखते हैं कि होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर एक टीम खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो भाई साहब को कॉल करते हैं। लेकिन आयशा नाम का जो कैरेक्टर हम लोग लास्ट सीजन में देखे थे होंडा साहब के साथ, आयशा भाई साहब के पास जाके जो नया टीम आने वाला है बेंगलोर वो मांगता है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट है और नेक्स्ट क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई साहब को कहीं ना कहीं उनका हेल्प चाहिए। इसीलिए होम मिनिस्टर को मना करके भाई साहब आयशा को टीम दे देते हैं। इससे होम मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है। इसका क्या नतीजा निकलेगा अभी तक हम लोग को पता नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम लोग को पता चल जाए। तो आखिर में ये होता है कि आयशा को बेंगलोर मिल जाता है और आयशा जाके होंडा को बताते हैं कि वो दोनों अभी नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों के पास टीम है, तो दोनों का ही जब टारगेट एक होगा, एक ही प्लेयर होगा ऑक्शन में, तब उन दोनों को मिलना नहीं चाहिए, इससे झगड़ा हो सकता है। ऐसे दोनों अलग हो जाता है। अरविंद वशिष्ठ को हरियाणा हेरिकेन्स लेंगे ये सबको पता होता है और हरियाणा हेरिकेन्स का जो नया स्टैट और स्ट्रेटेजिकल आदमी होता है वो होता है लम्बोदर नाम का एक कैरेक्टर जो स्टैट एनालिसिस्ट होता है। मुंबई साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर टीजे नाम का एक प्लेयर को खरीदने का प्लान बनाता है और उसी प्लेयर को खरीदने का अरविंद भी कोशिश करेगा, यही सोचता है। होंडा बताते हैं कि अरविंद तो 2-3 करोड़ में आ जाएगा, तो वो लोग पूरा 14-15 करोड़ लेकर टीजे के लिए जाएंगे। लेकिन जब ऑक्शन शुरू होता है और पहला इनाम अरविंद वशिष्ठ आता है, तभी देखा जाता है कि पहला बिडिंग हरियाणा हेरिकेन्स ओपन करने के बाद ही 2 करोड़ से डायरेक्ट मुंबई मैवरिक्स गेम खेलते हैं 10 करोड़ का और 10 करोड़ का बीड लगा देते हैं। अब आगे क्या होगा वो तो सेकंड एपिसोड में ही पता चलेगा और वो जानने के लिए मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एपिसोड पे यही खत्म होता है, सेकंड एपिसोड लेके मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा आपके पास। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ आवर एवरी वीडियो। थैंक यू।